मैंने प्रेयर कॉल लाइन को चालू कर दिया है। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर है, और वो लोग आज पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप पुनरुत्थान की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखें, तो आज इस रिजरेक्शन डे में, आज इस पुनरुत्थान के दिन में, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में अपने पुनरुत्थान की सामर्थ को ढेलने जा रहा है। आज आप परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को अपनी जिंदगी में देखने वाले हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो आपकी भी नश्वर देहों को जिलाने की ताकत रखता है। वो भी आपकी नश्वर देहों को जिलाएगा, वो भी आपकी जिंदगी में काम करेगा। हेलो, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आपने कहा था कॉल करने के लिए। मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ, पाली रंजब है वहां से। आपने बोला था कि आप मेरा लाइव देखिएगा और कॉल कीजिएगा मुझे, मैंने कॉल किया आपको। जी बहन, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए, बताइए। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ, मेरा बेटा था 9 महीने का, वो नहीं रहा इस दुनिया में, और मैं चाहती हूँ। मेरे बहुत प्रॉब्लम है, पति पत्नी में नहीं पढ़ते, बच्चे मेरा बात नहीं मानते, एक बेटा और है वो बात नहीं मानता, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रही हूँ प्रभु। मैं भी हाल में ही आई हूँ मैं, ठीक है ना। प्रार्थना करें आपके लिए। हाँ हाँ प्रार्थना कीजिए। पिता, मेरी प्रार्थना इसी वक्त परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ बहन की जिंदगी में यीशु के नाम बहने लगे। पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी जिंदगी में यीशु के नाम बहने लगे। आई ब्रेक एवरी प्लान ऑफ सैतान इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इसी वक्त बहन की मरी हुई परिस्थिति जिंदा हो जाए, और प्रभु इसका मरा हुआ घर जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। मरी हुई, ओ मरी हुई दशा, ओ पुनरुत्थित हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। पुनरुत्थान की सामर्थ बहन आपकी जिंदगी में बहने लगे। इसी वक्त आप परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए इसी वक्त। और रियान डाला बारा खाना मान डाला बारा याना मान डेले बेले ले 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 रे बोटो नोमा इसी पावर होली गोस्ट। आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है बहन, इस स्पर्श को अपनी जिंदगी में लीजिए। टच आमीन टच आमीन टच नेम ऑफ जीसस। आमीन। इसी वक्त बहन आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो। इसी वक्त परमेश्वर की हालेलुया सामर्थ आपकी जिंदगी में आए। हालेलुया आप आत्मा सामर्थ से भर जाएं। आज से आपका प्रार्थना जीवन, आज से आपका ओ रियान डाला बारा रा बाबा बा, पारिवारिक जीवन बदले और प्रभु की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमेन। आमीन हेलो आमीन आमीन। बहन, आज से प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ पुनरुत्थान की सामर्थ अपनी जिंदगी में देखने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। बहन कैसा प्रेग्नेंट नहीं महसूस हो कर रही पाते हैं हैं, आप, ये होता है बताइए। मिसकैरेज हो जाता है, बेटा रहा भी तो बहन कैसा मतलब महसूस कर रही हैं पता आप? है 9 महीने का वो करके चला गया दुनिया को छोड़ करके। खर्च भी बहुत ज्यादा हो गया, 22 लाख के करीब में, बहुत कर्ज भी है। और कम से कम प्रभु हमको दोबारा प्रेग्नेंट कर देते और बच्चे का आशीष देते, ब्लेसिंग करते मुझे बच्चे से। बहुत बहन कैसा सारे महसूस कर रही हैं आप क्या? अभी प्रार्थना के बाद, कैसा महसूस कर रही हैं आप? हाँ ठीक महसूस कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है बहन, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु में बने रहिए, ठीक है? जय मसीह की। ठीक जल्दी। हेलो, हेलो हाँ जी, जय मसीह की। मैं वर्षा बोल रही हूँ राव से। जय मसीह की बहन, बोलिए। मैं घर के लिए प्रार्थना करानी भैया कि घर में सब कुछ अच्छा रहे और एंजल के पापा की अच्छी जगह जॉब लग जाए। ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। पिता, और मेरी मम्मी के प्रार्थना, पैर में भी दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी आप प्रेयर लाउड करना। स्पीकर चालू कीजिए। मम्मी चंगी हो रही है अभी यीशु मसीह के नाम में। जी पिता, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, इसी वक्त तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ बहन उनके परिवार में बहने लगे। इसी वक्त मैं हर एक श्राप बंधन और जादू टोने तंत्र मन की सामर्थ को नष्ट करता हूं। पाँव में दर्द करने वाली गंदी आत्मा बहन उनके परिवार से यीशु के नाम दूर हो। ए बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की आत्माएं यीशु के नाम दूर हो। मैं आज्ञा देता हूं इसी वक्त हर एक परेशान करने वाली, घर के अंदर झगड़े उत्पन्न करने वाली गंदी आत्मा उस घर से दूर हो जाए। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी की आत्मा उस घर से दूर हो जाए। हर एक दर्द और तकलीफें उस घर से दूर हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, इसी वक्त मेरी प्रार्थना बहन के पति के लिए, इसी वक्त एक अच्छा जॉब तेरे बेटे के जिंदगी में है, मैं रिलीज करता हूं, रिसीव न्यू जॉब इन द नेम ऑफ जीसस। उस घर में प्रभु तेरी शांति आए, उस घर में तेरा आनंद आए, उस घर में तेरे पुनरुत्थान के काम शुरू हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में। बी फ्री, बी ब्लेस इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हेलो, भैया आप पूछे उनसे पाँव का दर्द कैसा है, कैसा है दर्द? बढ़िया, ठीक हो हाँ गया? ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाँव के दर्द को ठीक किया। हेलो हेलो हेलो,
हेलो, फोन लग गया है। हाँ हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से बात कर रही है बहन, बताइए क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? जी मैं मेरे लिए प्रार्थना करना है, मैं कहूँ मैं आत्मा में दुआ प्रार्थना में आत्मिक जीवन में बांधना चाहती हूँ और आंखें मैं बंद वचन को कीजिए। पढ़ना चाहती हूँ। जैसे वचन पढ़ना चाहती हूँ ना भैया, तो मुझे वचन मतलब मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती हूँ, परमेश्वर मुझे सिखाया है। मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ, गहरा तक मैं समझना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है, आंखें बंद जैसे मैं कीजिए, मुसलमान परिवार से हूँ भैया, और आंखें मैं बंद वहाँ पे कीजिए, जंगल की हूँ मैं। आंखें बंद कीजिए, जी आंखें बंद कीजिए, परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाइए। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिलीज योर ग्रेस, आई रिलीज योर पावर, आई रिलीज योर होली गोस्ट बैप्टिज्म, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मा सामर्थ अभिषेक से भर जाए। मैंने इसी बार परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आजाद करें, परमेश्वर की आत्मा सामर्थ अभिषेक से परिपूर्ण हो जाओ। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे, इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपको अगुवाई करे, इसी वक्त परमेश्वर का अभिषेक आपको अगुवाई करे। रिसीव, रिसीव, रिसीव इन जीसस माइटी नेम, आमेन। हेलो हाँ जी हेलो, भैया। क्या महसूस कर रही बहन आप? जी मैं आपका महसूस की हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा और मेरा आपको? जी और मेरा आज एक प्रार्थना है कि भैया मेरा भाई जो है, मेरे मामी है, उसका आत्मा है ना धुंधलापन है, और मेरे साथ बहन मेरा अपनी परिवार है ना, अपनी मेरे फ्रेंड भी प्रार्थना, विश्वास में आए अपने संगे प्रार्थना संगे। निवेदन को रिक्वेस्ट में डाल दीजिए, है ना, हम लोग उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, अपनी गवाही को डालिए, अपनी अपनी गवाही को डालिए और शेयर कीजिए। हेलो, पीछे से मोबाइल बंद कीजिए। हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? पिलानी से, राजस्थान से। नहीं, राजस्थान से बात करें, बताइए भैया क्या प्रार्थना करें आपके लिए? क्या माँ के लिए प्रार्थना करनी है, हुआ मम्मी को? माँ को। हाँ माँ को सांस की प्रॉब्लम है, सांस उठा के खड़ा कर दो, की प्रॉब्लम है जी, रहता है। हाँ उठा के खड़ा जी, करो, हाँ हाँ जी, उठा के खड़ा कीजिए उनको। जितने भी लोग ऑनलाइन हो रहे हैं भाई और बहन, हाँ जितने भी लोग ऑनलाइन ऑनलाइन देखता हैं, हूँ। प्लीज शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को, शेयर करें। थोड़ी ही देर में यहाँ पर अभी हूँ ऑनलाइन प्रार्थना के लिए, हम जल्दी से इस हाँ ब्रॉडकास्ट जी, को बंद करने वाले हैं, बहुत जल्दी बंद करने वाले हैं, तो आप लोगों को डरने और परेशान लोग होने की जरूरत नहीं। ज़्यादा देर ये वाला ब्रॉडकास्ट चलेगा नहीं, रहता आप जल्दी से शेयर करें। जो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, सबसे पहला काम आपको यही करना है, ऑनलाइन होने के बाद में शेयर कीजिए। सबसे पहले आप शेयर का बटन दबाइए। ठीक है भैया, आपकी मम्मी को फोन दीजिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो चंगी हो रही है। फादर इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, यीशु क्रम निकल बाहर। बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, यीशु क्रम निकल बाहर। बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, हर एक सांस और घबराहट, यीशु क्रम दो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हेलो, हेलो खड़ी हो जाओ, हेलो, क्या हो रहा है बताओ सब लोगों को। सांस की प्रॉब्लम है, पांच बजे से मेरे नहीं उठ रही है। हाँ सांस आ रही है अभी आपकी, देखिए। हाँ नहीं आ रहा मैंने। पिता मेरी प्रार्थना है, तेरी आंखें बंद करिए। पिता मेरी प्रार्थना है, इसी वक्त तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ बहन के शरीर में बहने लगे, इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे लंग्स में पुनरुत्थान की सामर्थ बहने लगे, इन द नेम ऑफ जीसस। लंग्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी का गंदा आत्मा यीशु के नाम जाए। बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी का आत्मा यीशु के नाम में जाए और तुम आजाद और चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, आमीन। सांस लेके देखो, बोलो, सांस लो, सांस ले, सांस ले। कैसा लग रहा है, हल्का हो रहा है, भारी, पूछो भैया। नहीं आराम नहीं आ रहा है, हल्का हो रहा है, भारी? नहीं भारी है, कल को मैं वैसे ही बता रहा, वैसे ही बता रहे, हल्का है, भारी, पूछो ना, वैसे बता रहे हैं, हल्को भारी, हल्को ही भारी है। लाउड स्पीकर भैया, अपने लाउड स्पीकर करो भैया, अपना लाउड स्पीकर करो। हाँ जी, कर दिया लाउड स्पीकर, हाँ कर दिया। उनको बोला आंखें बंद करो, बंद करो। सारी घबराहट और हर एक सांस की समस्या यीशु के नाम जाओ। घबराहट और सांस की समस्या यीशु के नाम जाओ। घबराहट और सांस की समस्या यीशु के नाम जाओ। घबराहट और सांस की समस्या यीशु के नाम जाओ। तुम्हारे शरीर से सारा शैतानी आत्मा निकले बाहर, तुम्हारे सीने से सारी शैतानी आत्मा निकले बाहर। बहन अभी पुनरुत्थान की सामर्थ्य तुम पर नियंत्रण ले और तुम चंगी हो जाओ।
पुनरुत्थान की सामर्थ्य तुम पर नियंत्रण ले रहे, तुम चंगी हो जाओ। पुनरुत्थान की सामर्थ्य तुम पर नियंत्रण ले रहे, तुम चंगी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। उनको लो, सांस लो जोर से, जोर से सांस लो, हेलो हाँ जी, कैसा लग रहा है पूछो, क्या लग रहा है? मैं समझ नहीं आ रहा, वैसे ही हो रहा है, समझ नहीं आ रहा उनको। हाँ तो उनको बोला थोड़ी देर में आप सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। हेलो 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 हाँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना से? हाँ जी, बताइए क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? मेरे ना पेट में ना प्रॉब्लम है बहन, पीछे से मोबाइल बंद करवाइए पहले उनको, जो पीछे मोबाइल चल रहा है पेट में, पीछे जो मोबाइल चल रहा है उनको बोलिए मोबाइल बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। आवाज कम कर देते हूँ, मोबाइल तो नहीं लगा हुआ, आवाज आ रही है हम लोगों को। आपके पेट में इन्फेक्शन है? हाँ जी, पेट के बीच प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। अभी क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है बहन? अभी दर्द हो रहा है? हाँ जी, पेट अभी दो काफी दिन से दुख रहा है, 10 दिन से पेन हो रही है। आंखें बंद कीजिए, पेट पे हाथ रखिए। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र के शैतान पेट से यीशु के नाम बाहर आओ। जादू टोना तंत्र मंत्र दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम बाहर आओ। दर्द और भारीपन की आत्मा यीशु के नाम निकल बाहर। आपका पेट अभी चंगा हो। बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस, बी हील नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त बहन आपका पेट चंगा हो और आपका पेट आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त आपका पेट का दर्द जाए और आप बिल्कुल चंगी हो जाओ। इसी वक्त पेट की बीमारी दुर्बलता कमजोरी जाए और बिल्कुल चंगी हो यीशु मसीह के नाम से आमीन। चेक कीजिए, हाँ जी ठीक है, दर्द चले गया? हाँ जी, बोलो धन्यवाद यीशु। अच्छा भैया एक प्रॉब्लम हो रहा है, सुनिए सुनिए, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मुझे चंगाई देने के लिए। हेलो हेलो, हाँ जी बहन पीछे से मोबाइल बंद कर दीजिए ना प्लीज, 2 मिनट के लिए। यदि आप 2 मिनट के लिए अपना फोन बंद कर देंगी ना तो मेरे से बात हो पाएगी अच्छे से ना, फिर आराम से आप मेरा लाइव देखिएगा ना। हाँ बताइए आप। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, पेट का दर्द चलेगा आपका? हाँ जी पेट का दर्द तो चलेगा बिल्कुल। आपके घर में जो हो उनको कहे मेरी गवाही को डालो अभी ऑनलाइन। क्या करना है आपने? गवाही को डालो ऑनलाइन अभी, है ना? ठीक है ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। हेलो, जय प्रभु यीशु मसीह की। जय मसीह की, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम इंदौर से बात कर रहे हैं पास्टर जी। हाँ, हमारी एक बेटी है 8 साल की, वो चल नहीं पाती है तो उसके लिए प्रे करना है। अच्छा ठीक है, पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त उस बच्ची के पाँव में पुनरुत्थान के सामर्थ्य काम करे। हर एक बीमारी दुर्बलता कमजोरी की आत्मा उस बच्ची के पाँव से जाए। हर एक लंगड़ापन, हर एक गुंगापन, हर एक बहरापन यीशु के नाम जाए। पिता तूने लंगड़ों को चलाया, ये बेटी अभी चलना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। ये बेटी अभी चले इन द नेम ऑफ जीसस, वो चलना शुरू करे। उठ और चल फिर, राइज अप एंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, राइज अप एंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम खड़ी और चलना फिरना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हेलो हाँ बहन, बिल्कुल भी नहीं चल पाती है वो, थोड़ा बहुत एड़ी उठा के खड़ी होती है लेकिन चल नहीं पाती है। उठाकर खड़ा कीजिए उसको। हाँ खड़ा कीजिए। आप अकेली हो कोई घर में है? हाँ खड़ा कर लिया। कर दिया? हाँ। लाउड स्पीकर चालू किया आपने? हाँ लाउड स्पीकर चालू। आप उसको चलाना शुरू करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गदूत इस बेटी को पकड़े। प्रभु तेरी पुनरुत्थान के सामर्थ अभी शामिल हो, तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ अभी काम करे। यीशु के नाम चलना फिरना शुरू करे ये बेटी। बहन उसको चलाएं, यीशु के नाम चलो, यीशु के नाम चलो, यीशु के नाम चलो राइट नाउ। ओ तुम्हारे पांव में परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ दौड़ने लगे। बोन्स बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, पूरी रीति से चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। बी हील्ड, चंगी हो जाओ, बी हील्ड, चंगी हो जाओ, बी हील्ड, चंगी हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूं।
रियाना मांटाला बाला लाला बा रियाना मा शुटोलो बोरो कोनो मोंतिया ना मंगला बा रा रा बाबा। बहन उसको चलाइए यीशु मसीह के नाम में। हाँ चला रहे। बहन उसको चलाइए यीशु मसीह के नाम में। बी ही नेम ऑफ जीसस में प्रार्थना करता हूँ चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बहन चेक कीजिए क्या हो रहा है मूवमेंट उसकी। मूवमेंट क्या हो रहा है? हाँ उसका ना एड़ी नहीं टिकता, पूरा एड़ी नहीं टिकता है, पंजे के बाल बिल्कुल उंगलियों पर खड़ी रहती है। टिका है उसको, टिका कर देखे। हाँ अभी उसके पापा उसको चला ही रहे हैं। क्या महसूस हो रहा है? हाँ अभी थोड़ा थोड़ा उसको चला रहे, वो चल रही है थोड़ा बहुत। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हाँ, थोड़ा बहुत चलना शुरू किया, बहन आगे भी चलेगी। बोलो धन्यवाद यीशु। बोलिए धन्यवाद यीशु। हेलो हेलो। हाँ बहन बताइए क्या प्रार्थना करें आपके लिए। जो दोनों किडनी में दर्द होता है, पेट दुखता है, खाना भी हजम नहीं होता, गले तक पत्ते जैसा आता है, सिर में जलन और बैक साइड में जलन। अभी बात करते समय क्या महसूस कर रही हैं आप? अभी इस सब छोड़ा हो तो सरम सरम जैसा ऐसा हो रहा है। करंट लग रहा है, दर्द है। हाँ आंखें बंद कीजिए ना। और बहन प्रार्थना के बाद में चेक करना है ना कि क्या महसूस होता है ना। पहले की बात बिल्कुल नहीं बताना है कि पहले क्या हो रहा था ना। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारे शरीर में क्या लग रहा है केवल वही बात बताइएगा। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको और मैं पूछूंगा प्रार्थना बाद कैसा लग रहा है। तो आपने शरीर में चेक करके देखना, जांचना है कि कोई तकलीफ तो नहीं है। यदि आप बिल्कुल तकलीफ नहीं महसूस करती इसका मतलब प्रभु ने आपको ठीक कर दिया है। ठीक है पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहन पर आप अपने नियंत्रण को लीजिए। हर एक जादू टोने तंत्र मन के सामान नष्ट हो। पिता आपने कहा जाओ, बीमारों को चंगा करो, मुरहों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं हर एक जादू टोने की आत्मा बहन के पेट से किडनी से यीशु के नाम बाहर आओ। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र की गंदी आत्मा पेट और किडनी से यीशु के नाम बाहर आओ। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र पेट दर्द किडनी के इन्फेक्शन की गंदी आत्मा यीशु के नाम बाहर आओ। बहन तुम्हारी दोनों किडनी चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पेट के अंदर जितना जादू टोना करके खिलाया गया है उल्टियों के द्वारा बाहर आए। जादू टोना उल्टियों से बाहर आओ, जादू टोना उल्टियों से बाहर आओ। आई कमांड वोमिटिंग्स यीशु के नाम। जादू टोना उल्टियों से बाहर आओ यीशु के नाम। जादू टोना उल्टियों से बाहर आओ। इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा की पुनरुत्थान की सामर्थ बहन तुम्हारे शरीर में बहने लगे। रिसीव पावर, रिसीव पावर। सारा दर्द और भारीपन की गंदी आत्मा तुम्हारी किडनी से, तुम्हारी कमर से, तुम्हारे पेट से, तुम्हारे शरीर से यीशु के नाम दूर हो जाए और तुम चंगी हो जाए। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरह से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हेलो हाँ। बहन अपने स्थान पर खड़ी हो जाइए, अपने पेट को और शरीर को जांच कर देखिए, दबा कर देखिए कैसा महसूस कर रही हैं आप। बस बाकी आगे का ठीक हो गया। प्रभु का धन्यवाद। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। अब मैं आपके लिए फिर से प्रार्थना करता हूं। पिता गर्दन का, पीठ का, कमर का सारा दर्द यीशु के नाम निकल जा। गर्दन, पीठ और कमर में बैठी दर्द, भारीपन और जलन की आत्मा यीशु के नाम दूर हो। गर्दन, पीठ और कमर में बैठी हर एक दर्द और जलन की आत्मा यीशु के नाम दूर हो। गर्दन, पीठ, कमर बी हील इन जीसस नेम। आमेन। चेक करें बहन। हाँ, हो गया। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद मुझे चंगा करने के लिए। मुझे चंगा करने के बेन अपनी गवाही को जरूर डालिए। आप अपनी गवाही को अभी जरूर डालिए, अपनी गवाही को डालिए। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जय मसीह की। जय मसीह की। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम लुधियाना से बात कर रहे हैं। लुधियाना से बात कर रही हैं आप। बताइए क्या प्रार्थना करें आपके लिए। मेरे लिए ये प्रार्थना करवानी है, मेरे हस्बैंड एक तो शराब बहुत पीते हैं, उसके लिए प्रेयर करवानी थी। और एक मैं ना जैसे प्रेयर करना चाहती हूँ, मेरे से अब प्रेयर नहीं हो पा रही। घर में जब मैं प्रेयर करती हूँ रात को, मेरे से अब होती नहीं है। पहले मैं पवित्र आत्मा छूता था, अब नहीं छूता। तो एक मेरे बेटे के लिए प्रेयर करवानी है, दो प्रेयर करवानी है। आंखें बंद कीजिए। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त इनके पति और इनके बेटे पर तेरा पवित्र आत्मा उतरे। दोनों लोग हर एक जादू टोना तंत्र अंधकार की शक्ति से आजाद हो और इसी वक्त प्रभु उनका मन और जीवन बदले। पति के जिंदगी से सारे नशे की आत्मा जाए, तुम्हारी जिंदगी से सारे नशे की आत्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ। बहन इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए और आजाद करे। इसी पावर इसी वक्त सारे जादू टोने तंत्र मंत्र के बंधन आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस।
प्रार्थना विरोधी, वचन विरोधी, मसीह विरोधी आत्मा, यीशु कमजोर, फायर, टच इन जीसस माइटी नेम। आत्मा सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण हो जाइए बहन। आज से आपका प्रार्थना जीवन बदले, मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ आपके जिंदगी पे छाया करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हेलो, हाँ जी भाई, हेलो, हाँ जी, कैसा महसूस कर रही हैं आप, पहले ये बताइए। वो ना एक मेरी फ्रेंड है, वो आपको फोन नहीं कर सकती, घर में है वो, उसका मेरे को फोन आया, उसी ने नंबर दिया आपका। तो उसका ना डिवोर्स का केस चल रहा है, उसका नाम संदीप कौर है, ठीक है, उसके दो बेटियां हैं और वो प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। तो उसका हस्बैंड है जो उसको, जैसे घर में रहती तो है वो, उसको खाना तक नहीं देता, सभी बाथरूम में लॉक लगा रखा है, किचन में लॉक लगा रखा है, उसको डेली मैं खुद खाना मैं देके आती हूँ, जैसे अब लॉकडाउन है उसमें खाना भी कहाँ से मिलेगा जब वो सब कुछ बंद कर रखा है उन्होंने घर वालों ने। तो मैंने आपको फोन किया इसलिए, अपनी फ्रेंड की। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में, इस बहन को लॉक करने वाले लोगों तुम्हारे मन बदलें। मेरी प्रार्थना है इसी वक्त बहन को स्वर्गदूत जाकर रिहाई दिलाएं। प्रभु वो पत्थर दिल लोगों का पत्थर दिल पिघले, वो बहन के साथ अत्याचार न करें। मेरी प्रार्थना है खुदावन अपने सामर्थ्य और जोरावर हाथ को बढ़ा। यीशु तू जिंदा हुआ है पिता, उस बहन की तू सुधि ले, जिनको जिसको घर में बंद कर रखा है, जिसको लोक लगाते खाना नहीं दे रहे पिता, इसी वक्त वो पत्थर दिल पिघले। प्रभु मेरी प्रार्थना है, मैं तेरा दास हूँ पिता, ये बहन गवाही के साथ आने पाए। प्रभु इस लॉकडाउन में उस बहन पास खाना पहुँचे, इस लॉकडाउन में तेरी मदद पहुँचे। जो लोग उस पर अत्याचार कर रहे हैं इसी वक्त, हर एक टॉर्चर और अत्याचार करने वाली आत्मा यीशु के अंदर, टॉर्चर अत्याचार करने वाली आत्मा तू परमेश्वर से सामना करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिलीज डिलीवरेंस अनॉइंटिंग। इसी वक्त बहन तू गवाही के साथ आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। तेरे पति और उसके पूरे परिवार के मन आज परमेश्वर की ओर से बदलने पाए। प्रभु वो तेरी आंख को देखे और बदले। कोई किसी को बांध और गुलाम नहीं कर सकता पिता। मेरी प्रार्थना है तू आया जीवन देने और छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। ठीक है बहन, अपनी गवाही को डाली, अपनी एड्रेस में मेरे को चाहिए था आपका। हेलो हेलो रितेश, ये नंबर लिख ले बेटा, ऊपर वाला वो कॉल कर ले। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर, ऊपर वाला लिख ले रितेश। हेलो कॉल करना, हाँ जी बताएं भाई, जयमसी की। हेलो जयमसी की, बताएं भैया क्या प्रार्थना करें आपके लिए। हाँ मैं गुरमीत बोल रहा हूँ इंग्लैंड। हाँ गुरमीत भाई बताएं क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए। मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा पेन हो रहा, रात को भी नींद नहीं आ रही। रात को नींद नहीं आ रही है आपकी। हाँ बहुत ज्यादा सपने इस तरह के आते हैं। आज आप आजाद हो रहे हैं भैया है। वो जो जादू टोना जो आपके ऊपर में किया गया है ना। हाँ जी, जो जादू टोना आपके ऊपर में किया गया है वो जादू टोने से आप आजाद होने वाले हैं। आप जादू टोने से आजाद होने वाले हैं। जिसने भी जादू टोना किया उसी के घर में आग लगने वाली है अभी इसी वक्त। आप उसकी गवाही सुनने वाले हैं। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत सालों से हम तकलीफ में है सारा परिवार। आप चिंता न करें, जिसने भी जादू टोना किया है उसका जादू टोना भी खत्म होगा। अभी परमेश्वर की आग उन पर बरसने वाली, सारे जादू टोने वाले पर, जितने भी जादू टोना करने वाले हैं सुन लो, जो लोग जादू टोना करने वाले हैं इसी वक्त परमेश्वर की आंख तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। रिया ना मंडेले बेलो कोलो बोरो कोनो ना मांठा ना माखाना मंदेले बेले ले बे रिया ना मंडेले बेले बे। जादू टोना करने वाले लोगों, जिया ना मंडला बारा रा बाला बारा रा बाला ला बारा रा रा करिया ना मंडेले बेले 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 बे रिया ना मंडेले बे। कितने नंबर लिखे थे तुमने? रिया ना मंडेले बेले ले के ले बेले बेले बे रिया ना मंडला बाला रा रा बाला बकाना ना मंडेले बेले ले बे रिया ना मंडेले बेले के ले बे रिया ना मंडेले बेले ले बे रिबा बा बा ला बा ना मा ना मंडेले बेले बेले के ले बेले ले बेरिया ना मंडेले बेले बेले बेरिया ना मंडेला बार का ना मंडेले बेले ले ले बेरिया ना। रख दो इसको, इसमें आगे से लिख लेंगे बाद में। भाई इसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपकी जिंदगी में आ रही, रिसीव पावर ऑफ गॉस्ट। सारे जादू टोने तंत्र मंत्र भाई गुरमित के जीवन से नष्ट हो। इसी वक्त तुम्हारे परिवार के खिलाफ में काम करने वाले हर एक जादू टोने के सामर्थ्य में रद्द करता हूं। शैतान काल खून के सुल्ले, यीशु मसीह ने क्रूस पर तुझे हराया, रोंदा और तमाशा बनाया है। जितने भी शैतान के आराधक और पूजा करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग जादू टोना करते हैं, इसी वक्त भाई गुरमीत के परिवार के खिलाफ में किए गए जादू टोने के ऊपर में फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस, फायर नेम ऑफ जीसस। तेरे घर से सारे जादू टोने समाप्त हो, हर घर के झगड़े लड़ाई झगड़े समाप्त हो। इसी वक्त तेरे घर के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा दाखिल हो, फायर नेम ऑफ जीसस। भाई इसी वक्त तुम्हारे शरीर का सारा दर्द जा रहा है, फायर, शरीर का सारा दर्द जा रहा है।
फायर, शरीर का सारा दर्द जा रहा है, फायर, शरीर का सारा दर्द जा रहा है। इसी वक्त सारी समस्याएं तुम्हारे घरों से जाएं। आई रिलीज डिलीवरेंस अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर। रामांडाला बारियाना माशिए डिलीवे रिबोस्टिया मा खाना मांडाला बारियाना मांडलेबे लेबे 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 बी डिलीवर। रिमो को नो मोंदोलो बोरो गोरो बोलो बोरो कोरो बोलो लो बोरो टच इन जीसस माइटी नेम, बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। हेलो, आमीन। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए जी, अपने शरीर को जांच कर देखिए। हाँ, अभी अभी तो बहुत पहले से काम है, पहले से ठीक है। कहीं दर्द है? हाँ थोड़ा है, पर पहले से कम नहीं है। कहीं दर्द है? हाँ थोड़ा, बाजू में, राइट साइड में है, जो बाजू बस, बस, उसमें बस, अभी जा रहा है बाजू। हाथ को पकड़कर रखे हुए शैतान, यीशु को निकल बाहर, तेरे हाथों से सारे शैतानी बंधन टूटे। हाथों में बेटी दर्द की आत्मा, कान खोल के सुन, आई एम द एपोसल ऑफ गॉड, आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री। हाथों का सारा दर्द जा रहा है भाई, इसी वक्त हाथों को जांचे और दबा कर देखे। हाथ का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाए, हाथ का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाए, हाथों का सारा दर्द और भारीपन यीशु के नाम जाए। ए दर्द देने वाली, कष्ट देने वाली गंदी आत्मा, यीशु के नाम जाए, तुम आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भैया हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बताइए अब हाथ उठाने के बाद। हाँ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, बेमलूमा हो रहा है, पर जैसे पहले वैसा नहीं। दर्द नहीं है? हाँ थोड़ा है, पर फिनिश नहीं हुआ पूरी तरह। फिनिश हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु, यीशु तू मेरा प्रभु और उद्धार करता है, तू मेरा प्रभु और उद्धार मेरे करता पापों है। को क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे छुटकारा प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर। अभी आप आजाद हो रहे हैं पिता, इसी वक्त तेरे बेटे के हाथों में आई भी शैतान की सामर्थ को नष्ट करता हूं, हाथों में आई भी शैतान की सामर्थ को नष्ट करता हूं, हाथों में आई शैतान की सामर्थ को नष्ट करता हूं। भैया विश्वास करें, आप आजाद हो रहे हैं। आप मत सोचिए यीशु का हाथ इतना छोटा नहीं है, यीशु का हाथ बहुत बड़ा है मेरे भाई। इसी वक्त आपके हाथों से हर एक दर्द और समस्या, हर एक शैतानी आत्मा जो काफी सालों से है, यीशु के नाम जाए। हर एक सालों का किया गया जादू तंत्र मंत्र नष्ट यीशु के नाम में, भाई डिलीवर और फ्री हो जाओ, डिलीवर और फ्री हो जाओ। अभी हाथों का सारा दर्द जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपको छू रही है। टच, दर्द और भारीपन से आजाद हो जाओ, टच, दर्द भारीपन से आजाद हो, टच, दर्द भारीपन से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, आमीन। हाथ का दबाकर देखो। हाँ अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये भाई गुरमीत हैं और ये इंग्लैंड से हैं, और अभी देखिए किस प्रकार से ये गुरमीत भाई अपने कई सालों से हाथों में दर्द है और जादू टोने से परेशान है, और ये आजाद हुए हैं। यदि आप भी जादू टोनों से परेशान है, दर्द से परेशान है, बीमारी से परेशान है, दुष्टात्माओं से परेशान है, कोई भी तकलीफ हो, जल्दी से कॉल घुमाइए। मैं थोड़ी देर और हूं यहां पर, और ठीक 4 बजे हम लोग लाइव को बंद करने वाले हैं, ठीक 4 बजे हम लोग लाइव को कम बंद करने वाले हैं। 4 बजे तक मैं यहां पर हूं, जितने भी लोग हैं 4 बजे तक मैं यहां पर हूं, 4 बजे हम ठीक लाइव को बंद करने वाले हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करें, कॉल्स लगातार आ रहे हैं, और अपनी गवाही को, गुरमीत भाई प्लीज अपनी गवाही को डालिए इस पर, ठीक है? ठीक है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट, थैंक यू होली स्पिरिट, 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 थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो, हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ, प्रार्थना करवाने के लिए सर जी। हाँ वही पूछ रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। बड़वानी से बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए बताइए। सर एक बहन है जो जिसको सफेद पानी की बीमारी है। ठीक है, अभी क्या तकलीफ हो रही है उनको? सफेद पानी की बीमारी है, पेट में गर्मी की बीमारी। अभी पेट दर्द हो रहा है क्या? हाँ सर। अभी कोई दर्द और तकलीफ है उनको पूछो। हेलो, अभी कोई दर्द और तकलीफ हो रही क्या उनसे पूछिए। सफेद पानी की बीमारी है सर। भैया मैंने सुन लिया वो बात, भैया मैंने वो बात तो सुन ली है, मेरी आवाज आ रही है आपको?
मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, रुकते रुकते आ रही थी। अब आ रही है? हाँ आ रही है। उनसे पूछो कोई तकलीफ है शरीर में? पेट में गर्मी है और सफेद पानी की तकलीफ है। भैया मैंने सुन ली ये बात आपकी, ये बात मैंने सुन ली है। लाउड स्पीकर चालू कर दो, आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं अभी। लाउड स्पीकर चालू करो, मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता मेरी प्रार्थना इस बहन के लिए, इसी वक्त वाइट डिस्चार्ज और सिकनेस छुट इन द नेम ऑफ जीसस। पेट का दर्द और गर्मी का आत्मा यीशु के नाम बाहर हो। इसी वक्त सारा वाइट डिस्चार्ज कन्फेक्शन नष्ट हो। हर एक बैक्टीरिया वायरस फंगस का बीमारी नष्ट हो। हाथ पैरों की बीमारी दुर्बलता कमजोरी नष्ट हो। डेविल यीशु का निकल बाहर, शैतान यीशु का नाम बाहर आओ, बीमारी का आत्मा यीशु का नाम बाहर आओ। बी हील बी फ्री इन जीसस माइटी नेम। अभी आजाद हो आप यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हेलो हेलो, उनसे पूछो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? कहीं दर्द तकलीफ है? कहीं दर्द और तकलीफ है? हेलो बहन, कैसा लग रहा है? अभी पेट में ज्यादा गर्मी हो रही है। अभी पेट में कैसा लग रहा है प्रार्थना के बाद? अभी थोड़ा कम गर्मी। अभी पेट में क्या लग रहा है बताएं सब लोगों को। पेट को दबा कर देखिए, पेट को जांच कर देखिए, अभी पेट में कैसा लग रहा है? थोड़ा ठीक लग रहा पर ये ना। अभी आंखें बंद करो, अब पूरा ठीक लगेगा आपको। पेट में बैठी दर्द, आंखें बंद करो, 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 आंखें बंद करो। पेट का सारा दर्द और भारीपन यीशु को निकल बाहर। पेट का सारा इन्फेक्शन यीशु निकल। स्टमक बी हील्ड, लीवर किडनीज बी हील्ड। सारा दर्द और जलन पेट से यीशु के नाम बाहर आओ। इसी वक्त तुम्हारे पेट की सारी समस्या से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो बेन, पेट को जांच कर देखिए कैसा लग रहा है। अभी बहन को ठीक लग रहा है, ये बहन बिल्कुल ठीक हो चुकी है, प्रभु का धन्यवाद करें। नेक्स्ट। हेलो, हाँ जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ, जय मसीह की। जय मसीह की, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं बिहार से बोल रही हूँ। बिहार से बात कर रही हैं आप, बताइए क्या प्रार्थना कर रही है आपके लिए। हेलो, क्या प्रार्थना करें बहन आपके लिए? जी मेरे रीढ़ की हड्डी में, हाथ नहीं मार के बैठ नहीं सकती, रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है हिप्स में, और मुझे बेबी नहीं है, बच्चा भी नहीं हो रही है। 10 साल से बहुत जादू टोना किया हुआ मेरे ऊपर। अच्छा ये बताइए, अभी आपकी आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है? हाँ, पूरा पैर जो ये एकदम पूरा पैर, रीढ़ की हड्डी सब में दर्द हमेशा रहता है, और बैठ नहीं सकते हाथ नहीं मार के बहुत दिन से, 20 साल से। खड़ी हो जाओ जी, खड़ी हो जाओ। जितने भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज शेयर करें, जितने भी लोग ऑनलाइन आ रहे हैं प्लीज शेयर करें। और जो लोग चंगे हो रहे हैं अपनी गवाही को डालिए, आप गवाही डालिए जल्दी से। आंखें बंद कीजिए बहन, आपके शरीर का सारा दर्द जा रहा है। मैं कमांड करता हूं, दर्द की आत्मा यीशु को निकल। बोन्स ब्लड टिश्यू एडिपोस में बैठी हर एक दर्द की आत्मा यीशु को नाम जाओ। बीमारी दुर्बलता कमजोरी का आत्मा यीशु को नाम जाओ। बी हील नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द और भारीपन तुम्हारे शरीर से जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस। सारा दर्द और भारीपन तुम्हारे शरीर से जाए। बी हील नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे शरीर से सारा दर्द निकल कर जा रहा है बहन, तुम्हारे रीढ़ की हड्डी का सारा दर्द जा रहा है, कमर का सारा दर्द जा रहा है। जो भी जादू टोना तंत्र मंत्र करके तुम्हें खिलाया गया है वो यीशु के लहू के समस्या नष्ट हो। फायर नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त तुम्हारे बूम को पवित्र आत्मा छुए, मैं बूम को पवित्र आत्मा छुए, तुम्हारा गर्भ खुले। इसी वक्त संतान की आशीष को प्राप्त करो बहन। सारा जादू टोना जो तुम्हारे गर्भ में किया गया है वो बाहर आए। हर एक बीमारी दुर्बलता कमजोरी दर्द की आत्मा बाहर आओ इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर बी फ्री बहन, आजाद हो अभी यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो बहन, चलिए थोड़ा सा चल फिर कीजिए, चल फिर कीजिए, कान पे फोन लगाकर चलिए थोड़ा सा। चल रही हैं आप? जी चल रहे हैं। कहीं दर्द है शरीर में? जी दर्द तो है ही, बैठा ही नहीं जाता बहन। मैंने अभी आपको बैठने का नहीं बोला था, सुनिए ना, मैंने आपको चलने के लिए बोला था, आपको बैठने के लिए नहीं बोला था, शायद याद होगा आपको। चल रहे हैं, चल रहे हैं ना आप? चलते हुए दर्द हो रहा है शरीर में? जी चलते हुए शरीर में दर्द हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, बोलो धन्यवाद यीशु चंगाई देने के लिए। जी बोलो धन्यवाद यीशु चंगाई देने के लिए। जी
धन्यवाद यीशु, चंगाई देने। अपनी गवाही को डालिए, 10 सालों से शरीर में दर्द था और प्रभु ने चंगा किया, राइट जी। अभी आप आइए, गवाही दीजिए, शेयर कीजिए, प्रभु तेरा धन्यवाद, अब मैं अपने शरीर में दर्द महसूस, अपनी दर्द, आपको शरीर में दर्द नहीं हो रहा है? अब शरीर में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, हिप्स में हो रहा है, जॉइंट। हल्का हल्का हो रहा है अभी? हाँ। आंखें बंद करें, प्रभु ये हल्का हल्का दर्द भी ना रहे, रीढ़ की हड्डी, जॉइंट पेन, यीशु के नाम दूर हो, रीढ़ की हड्डी में बैठी दर्द की आत्मा यीशु के नाम निकल, रीढ़ की हड्डी में, कमर में, जॉइंट्स में, हिप्स में बैठी दर्द की आत्मा यीशु का निकल, बी हील, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा तुम्हारे रीढ़ की हड्डी को छुए, टच, बी हील्ड बोन्स, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, आजाद हो, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो, आमीन जी। पीछे हाथ लगा कर देखिए रीढ़ की हड्डी में कैसा लग रहा है? हल्का कम है, हल्का कम है। प्रभु का धन्यवाद, बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपनी गवाही को डालिए प्रभु की महिमा के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, हेलो हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रही हैं आप? इंदौर से। इंदौर से बात कर रही हैं, बताइए क्या प्रार्थना करें आपके लिए? मेरे मकान के लिए करवानी थी। क्या करना है मकान का? मकान के लिए प्रार्थना करते हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरे ने ले रखा था तो उससे वापस मेरे को लेना, ठीक है। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, इस बहन के मकान का निराकरण आप करें, सारी प्रॉब्लम्स दूर रहे। पिता तू घर को देने वाला है, तूने कहा यदि परमेश्वर घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु तेरी बेटी के लिए घर का इंतजाम कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तेरा पवित्र आत्मा काम करे, तेरी बेटी के अच्छे घर को प्राप्त करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है बहन, थैंक यू होली स्पिरिट। हेलो कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ मैं तमिलनाडु से बोल रहा हूँ सर। तमिलनाडु से बात कर रहे हैं, तमिलनाडु से बोलिए भैया, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? हाँ मेरा बहुत समय का सर, मैं बहुत कर्जा में फंसा हूँ और बहुत भाई, ठीक है, कर्ज से थोड़ा दूर आपके हूं। आपके कर्ज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आंखें बंद करें। पिता मेरी प्रार्थना, तेरे बेटे को सारे कर्ज से मुक्त कर, मैं रिलीज करता फाइनेंशियल गिफ्ट और एंटिंग को, इसी वक्त प्रभु तेरे बेटे का फाइनेंस रिलीज हो, जो काम पर हाथ लगा था उस पर आशीष बरके, तो ये भाई कर्ज से आजाद हो, कर्ज से आजाद हो, कर्ज का आत्मा तुम्हें छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो हेलो, बहन फोन लग गया है आपका, भाई जो भी है फोन लग चुका है आपका। हेलो, हाँ जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। रायसेन से? नहीं जी मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, झारखंड। झारखंड, झारखंड से बात करें, बताइए क्या प्रार्थना करें आपके लिए? जी मेरे पापा को आँख से, एक आँख से नहीं दिखाई देता, उसे जादू टोना कर दिया गया है और आजकल तो राइट वाला हैंड में उसको पूरा दर्द करता है, हाथ पूरा झूल गया। डेली रात मेरा, हम लोग बाद जब घर की छत में जाते हैं तो कोई मेरे घर के कोना कोना में घूमते रहता है, मुझे हम लोग 30 साल से बहुत परेशान। कौन घूमते रहता है? जी बोलिए। रात में छत पर कौन घूमता है? वो एक मेरी जो सिस्टर है वो जादू टोना कर देती है। हम लोग बहुत जगह हम लोग जा करके दिखवाए, हम लोग पास्टर से भी दिखवाए थे पर वो कंट्रोल में नहीं आती, एकदम कंट्रोल में नहीं आती। नहीं तो जादू टोना कौन कर रहा है आपके घर में? वो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वो मेरी बड़ी वाली सिस्टर है, वही करती है, तो इसीलिए हम लोग बहुत दिक्कत में है। हम लोग हर जगह दिखाए तो अभी वही पाती है, लेकिन उसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता, वो डाइन की डाकिंग है। अभी कहाँ है वो? अभी हम लोग के जस्ट घर के बगल में ही रहती है, इसीलिए हम लोग बहुत परेशान होते हैं। हम लोग को बस कुछ नहीं करना, बस उसका जो कर रही है वो सिर्फ ना लगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। देखो अपने भाई, बाइबल में लिखा है कि निश्चय याकूब पर कोई मंत्र नहीं चल सकेगा, आपके ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा भाई। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आप यीशु मसीह के लहू से पूरे घर को कवर्ड करें आप, और आप विश्वास करें कि कोई भी जादू टोना हम पर असर नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ठीक है। यदि आप विश्वास करेंगे जादू टोना हम पर असर करता है तो करेगा, इसलिए आपको विश्वास में खड़े होना और कहना है जादू टोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मैंने यूट्यूब के ऊपर में ऑनलाइन होकर भी शिक्षाएँ दी हैं, आप जरूर मेरे संदेश को सुनिए, शैतान का सामना कैसे करें। आप इस संदेश को सुनेंगे तो आप शैतान का सामना करने पाओगे, और जब तक आप सामना, सुनिए, जब तक आप सामना नहीं करोगे कोई भी आपके घर से उसको नहीं भगा पाएगा, ठीक है।
जी तो हम लोग को विश्वास से पूरा विश्वास से काम नहीं चलेगा, मैं जत भी जाता, मुझे विश्वास है, विश्वास से काम नहीं चलेगा। विश्वास करोगे तो शैतान नहीं भागेगा, शैतान का सामना करोगे तो भागेगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बोल के सुनो। हाँ जी बोलो। शैतान का सामना करोगे वो भागेगा, बोलिए मेरे साथ। शैतान का सामना करेंगे तब वो भागेंगे। हाँ, विश्वास करके घर में बैठने से नहीं भागेगा, सामना करने से भागेगा। घर से नहीं भागेगा, बोलो। सामना करने से भागेगा, सामना करने से भागेगा। और इस पर मैंने शिक्षा दी है, यूट्यूब पर सब लोग जाएं, एपोस्टल रोहित मसीह शैतान का सामना कैसे करें, जाकर आप देखिए, आप शैतान का सामना करो। आज ही आप अपने घर से सारे जादू टोने तंत्र मंत्र दुष्टात्मा को निकाल कर फेंकोगे, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से आप निकाल कर भागोगे। सारी दुष्टात्मा निकल कर भागी, कोई जादू टोना, कोई माइकल लाल जादू टोना नहीं करने पाएगा आप पर। जादू टोने वाले आपको देख कर भागेंगे, ठीक है। अब आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं। पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त इस भाई के घर में परमेश्वर का आग बरसे, फायर नेम ऑफ जीसस। हर एक जादू टोने तंत्र मन तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पिता पर जो किए हैं, यीशु के लहू के सामने से नष्ट हो। सारे जादू टोने से आजाद हो जाओ, सारे अंधकार से आजाद हो जाओ, सारी दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ। बी डिलीवर, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी डिलीवर, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक जादू टोने से आजाद हो जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ। मैं कमांड करता हूं इसी वक्त सारी जादू टोने पर आग पर से, हर एक दुष्ट आत्मा पर आग पर से, तुम्हारे पिताजी का हाथ काम करने लगे, तुम्हारे पिताजी के हाथ पैरों से दर्द जाए, तुम्हारे घरों से समस्या जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने जादू टोने से परेशान है वो आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई जादू आज से तुम्हारी जिंदगी में काम न करे, मैं कैंसिल करता हूं जादू कर की सारी जादू को यीशु मसीह के नाम में। सारा जादू टोना विचक्राफ्ट नष्ट हो इन जीसस माइटी नेम, आमीन। जी, और ये मेरा जॉब वाला पेपर रुक गया है, मेरा जॉब वाला पेपर 4 साल से आगे नहीं बढ़ रहा, पापा का आंख से उसको दिखाई भी नहीं देता है। भैया रिक्वेस्ट डाल दीजिए, है ना, आपके जादू टोने के लिए प्रार्थना कर दी मैंने, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम कोलकाता से बात कर रहे हैं पास्टर जी। बताएं बहन, क्या प्रार्थना करें आपके लिए? हाँ जय मसीह, बोलियो। मेरे हस्बैंड और सास के परेशान से मैं बहुत तंग आके अपनी माँ के घर आज आई हूँ, इसलिए भी मेरे लिए प्रे कर दीजिए। जितने भी लोग हस्बैंड से, सास से या बहुओं से परेशान है, मेरा निवेदन है उन लोगों से, प्लीज अपने घर में शांति का माहौल बनाकर रखें। एक दिन सब लोगों को यीशु मसीह के पास जाना है और मुंह दिखाना है। आपका कोई भी व्यवहार से यदि कोई परेशान और दुखी हो रहा है, प्लीज मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, प्लीज यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने, एक दूसरे से प्रेम करें। ये बहन बता रही है कि उनकी सास और उनके पति ने उनको इतना तंग कर दिया कि वे उनको उनकी माँ के घर वापस आना पड़ा। मेरा निवेदन है आप लोगों से, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो कि जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाओ तो यीशु मसीह के सामने आप क्या मुंह दिखाएंगे, आप क्या कहेंगे यीशु मसीह के पास जाकर। मेरा संदेश है उन सब लोगों के लिए, यीशु की आज्ञाओं को माने, आपस में एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहें, एक दूसरे का आदर करें। ऐसा ना हो कि आपके कारण किसी को घर छोड़कर जाना पड़े, आपके कारण कोई सुसाइड करे, आपके कारण कोई गलत कदम उठाए, ऐसा कभी नहीं, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। प्लीज घर में झगड़े करना बंद कर दीजिए, घर में झगड़े करना अभी से बंद कर दीजिए। घर के झगड़े बांध में होने वाले छेद के समान हैं, जो ब्लास्ट होता है घर टूट जाते हैं। प्लीज पति अपनी पत्नी को गुलाम न समझे, न पत्नी अपने पति को गुलाम समझे, वो समझे कि हम एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। जितनी भी सांस हैं वो उनसे मेरा निवेदन है, बहुओं को बेटी की तरह रखें, बहुओं को बेटी की तरह रखिए। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं हमारे पास में, और बहु भी सास को अपनी माँ समझे। बहु जब तक अपनी सास को माँ नहीं समझेगी, कभी भी वो अच्छी बहू नहीं बन सकती, और एक सास जब तक अपनी बहु को बेटी ना समझे, वो कभी भी अच्छी सास नहीं बन सकती। मेरे दोनों से मैं ऑनलाइन होकर निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज सास अपनी बेटी, अपनी बहू को बेटी, जब आपकी बेटी को ससुराल में परेशान करते हैं तो आप कहते हैं उनके ससुराल वाले गंदे हैं, जब आप अपनी बहू को अपने ही घर में परेशान करते हैं तो फिर वो लोग क्या कहेंगे। आप अपनी बहू को परेशान करना बंद कर दीजिए, ससुराल में आपकी बेटी को परेशान करना बंद कर दिया जाएगा। जैसा आप बोएंगी वैसा ही आप काटेंगे। प्लीज यदि आम बोएंगे आम काटेंगे, बबुल बोएंगे तो बबुल काटेंगे। प्लीज मेरा निवेदन है, ऐसे रिक्वेस्ट है आती है, बहुत दुख होता है मुझे,
ये बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि इनकी सांस इनके बहू तक मेरा संदेश पहुंचे और घर में सब कुछ अच्छा हो। वो जितनी भी सांस और बहू और परिवार मेरे संदेश सुन रहे हैं, अपने घर में प्यार का और यीशु मसीह के प्रेम का प्रचार करें और वही माहौल को बनाकर रखें। बिल्कुल झगड़ा न करें, बिल्कुल झगड़ा न करें। यीशु बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है। क्या हम मुंह दिखाएंगे वहां पर, उसके लिए तैयार रहेगा। पिता मेरी प्रार्थना इस बहन के लिए यीशु मसीह के नाम में, इसके परिवार के झगड़े समाप्त हो, पति और सांस का मन बदले, ये बहन का भी मन बदले, ये भी सब कुछ भूल कर प्रेम करने वाली बने, इसका परिवार प्रेम करने वाले बने, घर के झगड़े समाप्त हो। मैं रिस्टोर करता हूं बहन तुम्हारे घर और परिवार को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है बहन। हेलो। हेलो। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो। हाँ, कोई भी बात कर सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं। आप अपना नाम बताइए। मैं थरवर से बोल रही हूँ, रानी। कहाँ से? थरवर से बोल रही हूँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से। खरगोन से बात कर रही हैं आप। बताइए बहन, क्या प्रार्थना करनी है आपके लिए? मुझे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करवानी है, और मेरे पापा का उसमें बहुत हाथ दर्द कर रहा है, आज 10 दिन होने पे आ गए, तो उनका हाथ का दर्द नहीं ठीक हो रहा है। अभी कहाँ पर है पापा आपके? पापा कहाँ है? पापा अभी देर से आपका कॉल ट्राई कर रहे थे, उसको लग नहीं रहा था, तो वो थोड़ा खेत में चले गए। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता। पिता मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, बहन रानी उसके पूरे परिवार पर तेरी सामर्थ उतरे, उनके घर से हर एक बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, जादू, टोना, तंत्र मंत्र समाप्त हो। मैं आज्ञा देता हूं, हर एक जादू, टोने, तंत्र मंत्र की गंदी आत्मा बहन तुम्हारी जिंदगी से यीशु के नाम जाए। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छुए, टच। पूरा परिवार आशीषित रहे, सब लोग भले चंगे स्वस्थ रहे, और प्रभु तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हेलो। 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 तीन मिनट और हम लोग यहां पर, और दो कॉल मैं और अटेंड करूंगा। ये पहला कॉल आ गया है, एक कॉल और मैं अटेंड करूंगा। फिर लोग फाइनल प्रार्थना करेंगे और आज के इस लाइव को हम बंद करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। दो कॉल और, एक कॉल मैं अटेंड कर रहा हूं, एक कॉल और मैं अटेंड करूंगा। हेलो। हेलो बहन, पीछे से मोबाइल बंद कीजिए। हेलो बहन, पीछे से मोबाइल बंद कीजिए। मैंने पीछे से मोबाइल बंद करने के लिए बोला था, बहन ने आगे से मोबाइल बंद कर दिया। जब लोग आप कॉल्स करते हैं, प्लीज पीछे के मोबाइल को बंद करें, ताकि आप भी सही तरीके से सुन सके और हम भी सही तरीके से सुन सके। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को, क्योंकि समय बहुत कीमती है, समय बहुत कम होता है कि हम सब लोगों को अटेंड कर पाएं, सब लोग के लिए प्रार्थना कर पाएं। फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना के साथ बने रहें, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें, आज के संदेश पर मनन करें, आज के संदेश को सुने। हेलो। 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 पीछे से आवाज बंद कीजिए और मेरी आवाज को सुनिए। हेलो। 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 हाँ जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यदि हेडफोन आपने लगाया, हेडफोन निकाल दीजिए। आवाज नहीं है। आवाज नहीं आ रही है उनको, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। प्रभु आशीष दे। और फाइनल कॉल 4 बज रही है, 4 बजने में 1 मिनट की देर है। आप लोगों से यही निवेदन है, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु से प्रेम करें। आज के इस लाइव सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूं। दो कॉल्स आई थी, शायद प्रभु क्या चाहता उनके लिए, मेरी प्रार्थना उन लोगों पर भी प्रभु आशीष दे। आई एम फाइनल प्रार्थना करें। 4 बज चुकी है, मैं फिनिश कर देता हूं। पिता मेरी प्रार्थना है, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हैं, पार्टनर्स हैं, जितने भी लोग अभी हैं पिता, सब लोगों को तू आशीष दे, सब लोगों को फलवंत कर, जयवंत कर, सारे लोग भले चंगे स्वस्थ, उसमें बड़े और आशीषित हो। आज का संदेश हर एक के जीवन में आशीषित करें, आज का संदेश हर एक को फलवंत करें, आज का संदेश हर एक को ऊंचा करें। पिता तूने संभाल, उनकी सहायता मत अगुवाई कर। मैं इन सबको तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ पिता, इन सबको तेरे लहू में सुरक्षित करता हूँ। आज का दिन तुम सबके लिए आशीषित हो। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर, उन सारे ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए, पार्टनर्स के लिए,
सारे लोग भले चंगे स्वस्थ रहो, सारे लोग आशीषित हों, सारे लोग प्रभु में आगे बढ़े। सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ पिता, प्रार्थना सुनने के लिए सारी महिमा पिता आज के दिन के तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सबका आमीन। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु आप सबको फलवंत करें, प्रभु आप सबको जयवंत करें। आप लोग खुदा में आगे बढ़ें, फलवंत हो, आशीषित हों, इस संदेश को लगातार सुनते रहें। और कोई प्रार्थना निवेदन, ये प्रेयर कॉल्स लाइन हमारी चालू रहती है, इसमें हमारे प्रेयर पार्टनर्स फोन उठाते हैं, मैं ऑनलाइन होकर फ़ोन उठाता हूँ। और अभी जब आप कॉल्स करेंगे तो आपका फ़ोन उठेगा, लेकिन प्रार्थना भवन में उठेगा, और प्रार्थना भवन में हमारे अभिषिक्त प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भवन में, जयशालम चर्च ऑफ गॉड के प्रार्थना भवन में आपके लिए प्रार्थना की जाती है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं प्रार्थना करूँगा तभी आप चंगे होंगे, आपकी ज़िंदगी में काम होगा। जो कोई भी यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना करेगा या आप भी करेंगे, आप वो काम होगा। तो प्लीज़, यदि आपकी मेरे से बात न हो सके तो निराश उदास मत होइए, अपने विश्वास को यीशु मसीह पर लगा कर रखिए। कोई बच्चा भी यदि यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनेगा। तो ये मत सोचिए कि हमारे अपोस्टल से बात नहीं हो पाई, फ़ोन लगाया और ये और वो। प्रियो, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप हैं, मैं भी सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ, आप ही की तरह हूँ। तो प्लीज़, जब मेरी आपसे बात नहीं हो पाई, प्लीज़ आप उदास और निराश मत होइएगा, हमेशा अपनी दृष्टि केवल और केवल यीशु मसीह पर लगा कर रखिएगा, केवल यीशु मसीह पर लगा कर रखिएगा। वही आपको चंगाई, छुटकारा, आशीष और उद्धार देगा। फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी, आप लोगों के पास पॉम्पलेट शेयर हो जाएगा और आपसे मुलाकात होगी। यदि आप शालोम चर्च ऑफ गॉड की मेंटरशिप लेना चाहते हैं, अपना नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस को आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, कम ऑन चर्च, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you. Hallelujah. एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं दे रहा हूं आप लोगों को, सब लोग ध्यान से सुनिए। जरूरी अनाउंसमेंट चर्च लीडर्स, जयशालोम चर्च ऑफ गॉड के लीडर्स, जयशालोम चर्च ऑफ गॉड के लीडर्स लोग, जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं, और हमारे प्रेयर टावर के पार्टनर्स लोग, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हर एक लोग, और उन सारे लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा करना चाहते हैं। आज संडे का दिन है और आज एक विशेष दिन है, और आज हमने एक विशेष दिन में एक संदेश सुना है। जो लोग भी थैंक्स गिविंग या अपनी ऑफरिंग को इस मिनिस्ट्री में बोना चाहते हैं या देना चाहते हैं, आप लोग, आज आपके लिए एक अच्छा समय, एक अच्छा दिन है। आप धन्यवाद के साथ जो भी भेंट राशि देना चाहते हैं या बोना चाहते हैं, हमारी स्क्रीन पर इस मैसेज को खत्म के बाद स्क्रीन पर अभी नंबर आएगा। मेरा नंबर है गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों पर सेम नंबर है 9826897148, 9826897148। ये नंबर गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों पर है। आप तीनों पर धन्यवादी भेंट भेज सकते हैं, आज की संडे की ऑफरिंग भेज सकते हैं। और ये भेंट केवल वही लोग दें जो लोग धन्यवाद के साथ और खुशी के साथ देना चाहते हैं। ये भेंट कोई कमाई का द्वार नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर सेवा करें, और आज रविवार का दिन है, आप अपनी भेंट को बोना चाहते हैं, धन्यवादी भेंट को देना चाहते हैं, तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद के साथ दी गई भेंट ही स्वीकार की जाएगी, अन्यथा न लें इस बात को। आप गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के द्वारा आज संडे सर्विस की धन्यवादी भेंट, प्रेम स्वरूप भेंट, चेयरफुल गिविंग को पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से आप हमारी सेवकाई जीजस शालोम चर्च ऑफ गॉड में दे सकते हैं, जिससे हम लोग प्रभु के राज्य को बढ़ाने में आपके साथ मिलकर काम कर सके। 9826897148 अभी आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, 9826897148। जीजस शालोम चर्च ऑफ गॉड या रोहित मसीह के नाम से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, अब तीनों आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो, आप तीनों के माध्यम से परमेश्वर के राज्य में अपना भेंट, अपना बीज को बो सकते हैं। इस अनाउंसमेंट को अन्यथा न लें,
यदि आपको नहीं लगता है डोंट सेंड इट। यदि आप आज के मैसेज से खुश हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, यदि परमेश्वर आपके दिल से बातचीत करें, देन मोस्ट वेलकम। परमेश्वर कहता है दबाव से नहीं, कुड़कुड़ाकर बुड़बुड़ाकर और दबाव से नहीं, लेकिन खुशी के साथ देने वालों से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर आपसे भेंट और दान नहीं चाहता, लेकिन एक ऐसा बीज चाहता है जो आपके लिए अनंत जीवन उत्पन्न कर सके। तो प्रियो, आज एक बहुत अच्छा दिन है, एक अच्छा दिन है बोने के लिए हमारे लिए। तो धन्यवाद की भेंट जरूर परमेश्वर के राज्य में बोएं। और देखिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नंबर भेजा होगा लीडर्स लोगों ने मेरा, 9826897148 वाला नंबर, ये देखिए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। अक्षय भाई लिखकर भेज रहे हैं तीनों, 9826897148 अक्षय भाई ने लिखकर भेजा है यहाँ पर, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। बाकी लीडर्स लोग भी प्लीज़ टाइप कर दें। अक्षय भाई सही लिखा है आपने, गॉड ब्लेस यू। फोन पे, गूगल पे और पेटीएम, तीनों की सहायता से आप जो कुछ भी परमेश्वर के राज में बोना चाहते हैं आप सब लोगों का वेलकम है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। लीडर्स लोग प्लीज़ कमेंट करना है। गॉड ब्लेस यू।